दोस्तों बच का प्रयोग कई प्रकार की चिकित्सा में किया जाता है। बच का प्रयोग आज से नहीं बल्कि लाखों वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं। बच का अत्यधिक प्रयोग तंत्र क्रियाओं को काटने के लिए एवं शरीर की सुरक्षा करने में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफेद बच की तुलना में काला बच अत्यधिक शक्तिशाली होता है। वनस्पति शास्त्र में काले बच के बारे में भी स्पष्ट लिखा है और कहा भी जाता है कि इसके माध्यम से अलौकिक शक्ति के दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों काला बच एवं सफेद बच दोनों ही चमत्कारिक शक्ति से भरे होते हैं। सफेद बच से असाध्य कार्य को भी साध्य किया जा सकता है। सफेद बच को धन खींचने की चाबी कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। अगर आज की वीडियो भूल कर भी मिस कर दी तो आपको आगे चल कर के बहुत ही पछतावा होगा। आज मैं आप लोगों को सफेद बच एवं काला बच दोनों की चमत्कारिक एवं अलौकिक प्रयोग बताऊंगा, इसके धार्मिक प्रयोग सिखाऊंगा, इसके आयुर्वेदिक प्रयोग भी सिखाऊंगा जो कि निकट भविष्य में आपको जरूर काम आएगी। दोस्तों ये जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए भी खत्म करेंगे फिर भी आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन आज हम आपको वीडियो में बता रहे हैं जिससे आपका भला ही भला होगा, आपका कल्याण ही कल्याण होगा, आपका कायाकल्प हो जाएगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम बच के आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश की अमूल्य धरोहर है, इसलिए हमें सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की जानकारी थोड़ा बहुत जरूर हमें अध्ययन करना चाहिए, ताकि निकट भविष्य में हम आयुर्वेद के माध्यम से कई प्रकार की बीमारी को ठीक कर पाएं। दोस्तों आजकल के जनरेशन में फैशन सा बन गया है डॉक्टरी दवा लेना, मेडिकल की दवा को खाना, यहाँ तक कि इलाज वगैरह कराना, इन सारी चीजों से अधिक जो है बचने की कोशिश करना, क्योंकि ये हमारे लिए जानलेवा होता है। आयुर्वेद हमारे लिए अमृत होता है। दोस्तों आयुर्वेद का सिद्धांत है तुम मुझे अपनाओ मैं तुम्हें बीमार नहीं पड़ने दूंगा, और मेडिसिन का सिद्धांत होता है तुम बीमार पड़ो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा और दोबारा उससे भी ज्यादा भयंकर रोग दूंगा। इसलिए हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, आयुर्वेद बहुत ही उत्तम होता है। तो आइए काला एवं सफेद बच के आयुर्वेद प्रयोग को सीखते हैं, फिर इसके धार्मिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके तांत्रिक प्रयोग सीखेंगे। तो दोस्तों प्रथम है कि मिर्गी के झटके अगर किसी को आते हैं, ध्यान से सुनना, मिर्गी के झटके आने पर चाहे काले बच हो चाहे सफेद बच हो दोनों को पीस लीजिए। दोनों नहीं है तो केवल सफेद बच मिले या काला बच मिले उसे पीस लीजिए, और पीस करके इस रुमाल में पोटली जैसा बना लें, और जिसे मिर्गी का दौरा आया हो उसे सुंघाएं, तत्काल मिर्गी का दौरा छोड़ देगा, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मिर्गी के दौरे को रोकने की ये रामबाण दवा है। इसका दूसरा प्रयोग अत्यधिक सिर दर्द होता है, आधा सिर दर्द होता है जिसे हम अधिका पारी के नाम से जानते हैं, हो सकता है इसे आप जो है हाफ माइंड पेन भी बोल सकते हैं। तो जो अधिका पारी की पीड़ा होती है अत्यधिक इसमें सिर दर्द होता है, और बिना टैबलेट दवा खाए बिना ये ठीक होता ही नहीं है। तो दोस्तों बच के माध्यम से आप इसे ठीक कर सकते हैं। क्या करना होता है, बच की पत्ती लेना होता है और इसे मसल करके सूंघना होता है। बच की पत्ती अगर आपको डेली सिर दर्द होता है तो परेशान मत होइए, आप जो है बहुत सारी बच की पत्ती अपने परस में रखिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम दो बच के पत्ते अपने परस में रखें, और इसके पत्ते को अर्थात इसकी पत्ती को आपको पीस लेना है। पीसने का मतलब है मसल लेना है, और जब भी आपको सिर दर्द हो इसे सूंघ लेना है। बिना टैबलेट के बिना दबा के आपका सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, सिर के दर्द में काफी आराम मिलता है। दोस्तों आपसे एक विनती है, आप जिस भी देवी देवता में सबसे ज्यादा आस्था रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके लिए एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। इसके बाद दोस्तों पेट के कीड़ों को दूर करने के लिए, पेट में अक्सर बड़ा वाला कृमि हो जाता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं जिसके कारण बहुत ही दर्द होता है, छोटे बच्चों में हो जाता है। तो पेट के कीड़ों को मारने के लिए बच की जड़ को 3 ग्राम पीस करके, 3 ग्राम पीस के इसके रस को पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इसका चौथा प्रयोग खांसी होने पर, क्योंकि खांसी छोटे बड़े बुजुर्ग सबको होती है, तो कैसी भी खांसी हो रही है तो बच की जड़ का थोड़ा सा चूर्ण बना लीजिए, या फिर मार्केट में बच का चूर्ण मिल जाता है, चाहे सफेद बच हो चाहे काले बच हो दोनों बच का चूर्ण चलेगा। तो 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण लेना है, और आपको 5 ग्राम की मात्रा में शहद लेना है, दोनों को मिलाकर के आपको चाटना है। कैसा भी आपकी खांसी हो केवल इसकी
तीन ही खुराक से जड़ से समाप्त हो जाती है आपकी खांसी। तो चलिए दोस्तों, हम बच के तांत्रिक प्रयोग सीखते हैं, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग सीखना भी है जरूरी। तंत्र से असाध्य कार्य को साध्य किया जा सकता है। तंत्र से वो आप हर कार्य संभव कर सकते हैं जो कि असंभव हो। रावण संहिता में रावण ने भी तंत्र के बारे में कई गुप्त जानकारी बताई है, प्रयोग बताए हैं। तो इसके तांत्रिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसका पहला प्रयोग है कि अत्यधिक बच का प्रयोग है। ये दुष्ट शक्ति भूत प्रेत इत्यादि को भगाने में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। भूत प्रेत जिसे चढ़ा हो उसे बच के पत्ते मसल कर के सूंघा देने से भूत प्रेत छोड़ देता है, क्योंकि इसमें भूत नाशक तीखी गंध होती है। या फिर इसकी जड़ को पीस लीजिए और इसकी दो बूंद आप जो है नाक में, जिसे भूत चढ़ा हो प्रेत चढ़ा हो उसकी नाक में दो बूंद इसके अंदर से दे दीजिए, उस व्यक्ति के शरीर को तत्काल भूत छोड़ करके भाग जाएगा। ये आजमाया हुआ प्रयोग है और ये प्रयोग में केवल समाज कल्याण के लिए, जनहित एवं जन कल्याण के लिए बता रहा हूँ। अन्यथा इस प्रकार का प्रयोग आप काफी लंबे समय से गुरु की सेवा करेंगे तभी प्राप्त होता है। इसके बाद शरीर बंधन करने के लिए, अगर आप भी किसी की हाय बद्दुआ और बुरी नजर से बचना चाहते हैं, क्योंकि समाज में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा किसी की हाय लग जाती है, बद्दुआ लग जाती है, बुरी नजर लग जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाती। तो अगर आप भी किसी की हाय बद्दुआ और बुरी नजर से बचना चाहते हैं, तो रविवार के दिन काले और सफेद दोनों की बच की जड़ एक ही ताबीज में डालकर के पहने जिंदगी में कभी भी किसी की हाय बद्दुआ और बुरी नजर नहीं लगेगी। अर्थात ये किसी की हाय बद्दुआ और बुरी नजर को हमें जो है उनकी बुरी नजर से बचाने का काम करते हैं। इसका तीसरा प्रयोग अलौकिक शक्ति के दर्शन करने के लिए। जैसे कि अलौकिक शक्ति में बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, दैविक शक्ति आ जाती है, भूत प्रेत पिशाच की शक्तियाँ आ जाती हैं, जो अलौकिक शक्ति होती है। अगर आप इनके दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप भी अलौकिक शक्ति का आभास करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो लाल कपड़े में काले बच की जड़ को रखें। दोस्तों फिर आप देखना, इसे रख कर के आप ऐसे स्थान पर चले जाइए जहां पर लोगों का आना जाना ना हो, अर्थात मरघट है या फिर दैव्य स्थान जहां पर देवी देवता रहते हैं, मंदिर वाला स्थान, वहां पे चले जाइए तो अलौकिक शक्ति का आपको आभास होगा। अगर आपके पास में आसपास में अलौकिक शक्ति गुजरेगी तो वो छाया रूप में दिखाई देने लगेगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसे आपको छोड़ना नहीं है। जब तक ये आपके पास में रहेंगी, कोई भी जो नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी। लेकिन ये रवि पुष्य नक्षत्र में इनका प्रयोग करना होता है। दूसरे काले बच की जड़ को हाथ की मुट्ठी में बांध करके, ध्यान से सुनना, काले बच की जड़ को हाथ की मुट्ठी में बांध करके जिस जमीन में आपको दबे हुए धन की आशंका जा रही है, अर्थात आपको ऐसा लग रहा है कि फलाने जगह में जमीन में दबा हुआ धन है, तो वहां पर जाइए और उस स्थान की तीन परिक्रमा इसे मुट्ठी में रख करके लगाइए, तो दोस्तों गड़ा हुआ धन ऊपर आ जाएगा। इसका पांचवा एवं अंतिम तांत्रिक प्रयोग सीख लीजिए। ये प्रयोग आपको आगे चलकर के काम आएगा। अगर आप अपने घरों के आसपास की जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो काले बच की जड़ को पीस करके और शहद को मिला करके एक काजल तैयार करना है। काले बच और ये शहद, ये दोनों को पीस करके एक काजल जैसा लेप तैयार करना है। और किसी विशेष नक्षत्र, जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र है, ये तीनों नक्षत्र हैं, इनमें से एक भी नक्षत्र देख लीजिए और आपको इन नक्षत्रों में अपने नेत्रों पर लगा करके जमीन में गड़े हुए धन जहाँ पे आपको शंखा जा रही है वहाँ पे देखने के लिए जाना है। दोस्तों स्पष्ट रूप से आप अपनी आँखों से जमीन में दबे हुए धन को इस प्रयोग से देख पाएंगे। दोस्तों अब चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बता दूं, क्योंकि धार्मिक प्रयोग जानना भी बेहद जरूरी है। तीन इसके धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। प्रथम प्रयोग, काला और सफेद बच, ये दोनों को अलग अलग गमलों में लगा करके घर के आंगन या छत पे रखने से आपके घर में ऊपरी हवा, अर्थात किसी की बुरी नजर, किसी की हाय, किसी की बद्दुआ, किसी के टोने, किसी की तांत्रिक क्रिया बिल्कुल ही आपके घर के ऊपर में नहीं लगती। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहता है इसके आभा मंडल से। आप चाहे तो मुख्य द्वार में भी दो गमलों में एक गमले में सफेद बच लगा सकते हैं और एक गमले में सादा बच लगा लीजिए और आप जो है इसे अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे गमले में लगा करके घर के आंगन में भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने छत में भी लगा करके रख सकते हैं। दूसरा प्रयोग जान लीजिए, काले और सफेद बच
जिस घर में होते हैं उस घर में दरिद्रता देवी एवं उनके पुत्र। दरिद्रता देवी के कौन कौन से पुत्र हैं ये जान लीजिए। दरिद्रता देवी जब आती है तो उनके साथ में उनके पुत्र भी आते हैं। उनके पुत्र हैं रोग, कलह, कलेश, दुख, ये दरिद्रता देवी के पुत्र हैं। इसलिए आपने देखा होगा जिनके घर दरिद्रता होती है उनके घर में रोग, कलह और कलेश आते हैं, दुख आते हैं। तो अगर आप भी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहते हैं, केवल आप चाहते हैं आपके घर में धन संपदा, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, तो काला और सफेद बच जिस घर में होता है उस घर में दरिद्रता देवी एवं उनके पुत्र नहीं आते हैं। और ये तांत्रिक पौधा आसुरी शक्ति से भी आपके घर को बचाए रखने का काम करता है। इसका तीसरा धार्मिक प्रयोग जान लीजिए। लोग अपने घरों में मनी प्लांट के पौधे लगाते हैं, क्रजुला का पौधा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा नहीं मिल पाता है। एक बार काला और सफेद बच ये दोनों का पौधा आप जो है अपने घरों में लगा करके देखें। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, घर का वास्तु दोष मिटेगा, घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ेगा तथा घर में भूत प्रेत ऊपरी बाधा से आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर के स्वरूप हैं, जहाँ पे तुलसी मैया वहाँ पे भी इसे लगा करके आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपने देखा होगा गीता में स्पष्ट बोला है कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो पेड़ पौधे अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं, जैसे कि तुलसी पौधा माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पीपल का जो पौधा है इसे भगवान नारायण का स्वरूप कहा जाता है। जो बट वृक्ष का पौधा है भगवान शंकर जी के स्वरूप है। उसी प्रकार से शमी का पौधा शनि का स्वरूप है। इसी प्रकार दोस्तों जो तांत्रिक पौधे हैं इसे लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। अर्थात बच के पौधे को काली का स्वरूप कहा जाता है, लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। आप में से अधिकतर लोगों के प्रश्न रहेंगे क्या सफेद और काला बच दोनों को एक ही गमले में लगा सकते हैं? नहीं नहीं दोस्तों, आपको अलग अलग गमलों में लगाना है। क्या तुलसी के पौधे के पास में इसे गमले में रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल आप इसे रख सकते हैं। क्या महिलाएं और छोटे बच्चे भी इसकी जड़ को पहन सकते हैं? बिल्कुल ही इसे महिलाएं भी पहन सकती हैं, छोटे बच्चों को पहना सकते हैं, वो हमेशा नजर दोष से सुरक्षित रहेंगे। अंतिम आप लोगों का प्रश्न रहेगा क्या इसकी जड़ को पहनने से बुरी नजर नहीं लगती? इसकी जड़ को कौन से दिन में पहना जाए? हाँ इसकी जड़ को पहनने से कभी भी बुरी नजर या भय नहीं लगता। दोस्तों छोटे बच्चों को ये बुरी नजर से बचाते हैं, स्वयं पहने किसी की हाय बद्दुआ बुरी नजर नहीं लगेगी। और इसे कौन से दिन पहनना होता है? तो काला बच और सफेद बच ये दोनों को शनिवार या बुधवार के दिन पहनना होता है। आप चाहें तो इसे रविवार के दिन भी पहन सकते हैं। दोस्तों इसको पहनने का सबसे अच्छा दिन होता है शनिवार और बुधवार, ये दोनों तांत्रिक दिन कहे गए हैं। दोस्तों आयुर्वेद के देवता कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के लिए एक लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे।